नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 22 जनवरी 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन समसामयिक की सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ से आप careerdestacademy.com पर पहुंचकर आसानी से पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश से संबंधित, उसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम दो भाग शामिल करते हैं, पहले भाग में एमपी डेली करंट अफेयर्स, दूसरे भाग में एमपी जीके। आइए शुरू करते हैं पहले भाग के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस पर्व 2019 पर कब से कब तक आमजन के लिए राजभवन खुला रहेगा? जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित राजभवन है वह 24 से 27 जनवरी 2019 तक खुला रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र पर्व पर आमजन के लिए भ्रमण के लिए राजभवन 24 से 27 जनवरी 2019 तक खोलने के निर्देश दिए हैं। खेलो इंडिया सेकेंड यूथ गेम यानी जो दूसरे गेम थे ये पुणे में बॉक्सिंग के 54 किलोग्राम वर्ग में दिव्या पवान ने कौन सा पदक जीता? खेलो इंडिया पुणे में आयोजित हुए थे, 54 किलोग्राम वर्ग में दिव्या पवार ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक। और यह धार्मिक न्यास एवं धर्मश, जनसंपर्क, विधि एवं विधाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं विमानन मंत्री पीसी शर्मा ने 21 जनवरी 2019 को भोपाल में सुश्री दिव्या पवार को सम्मानित भी किया स्वर्ण पदक जीतने पर। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो मध्य प्रदेश में किसानों को रियल टाइम वॉलेट से संबंधित क्या आशा थे? एक मध्य प्रदेश सरकार एक रियल टाइम वॉलेट लॉन्च करने वाली है किसानों के लिए, और यह वॉलेट देखते हैं हम इसके बारे में क्या सत्य है और क्या असत्य है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या असत्य है किसानों के लिए। इस वॉलेट में फसल के रकबे के हिसाब से 15,000 से 45,000 रुपये तक की लिमिट रहेगी। यह रियल टाइम वॉलेट होगा और फसल के रकबे के हिसाब से 15,000 से 45,000 रुपये की इसकी लिमिट रहेगी, यानी 45,000 तक उसे कोई भी सामान खरीदता है सरकारी कार्यालयों से या फिर देखते हैं हम इस ये सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। और इस वॉलेट में जमीन का रकबा, फसल का ब्यौरा, घर की सारी जानकारी से लेकर दुधारू पशुओं की लगाने वाले इंजेक्शन तक की ब्यौरा दर्ज होगा इस वॉलेट में। ये बहुत ही अच्छा वॉलेट है, ये सही है कह रहे हैं। और इस रियल टाइम वॉलेट से किसानों के पास नकदी ना होने की स्थिति में मदद नहीं मिलेगी, ये दोस्तों मदद मिलेगी, ये हमारा असत्य हो जाता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये इसलिए लॉन्च कर रही है सरकार की इसमें मदद मिलेगी लोगों के लिए, किसानों के लिए। और इसके लिए सहकारी बैंकों को डिजिटल किया जाएगा और ऐप से पूरे प्रदेश को जमीन कनेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। हमारा जो सी ऑप्शन है वह हमारा गलत है। और इससे क्या सही होगा कि हमें यह रियल टाइम वॉलेट से किसानों के पास नकदी ना होने की स्थिति में मदद मिलेगी, वह अपने खाद बीज उठा सकता है और कई सारी चीज़ें होंगी। तो ये रियल टाइम वॉलेट लॉन्च करने वाली है, उसके बारे में यह क्वेश्चन था। बात करें हम अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि के प्रबंधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एक अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी एसटी वर्ग के लिए भूमि के प्रबंधन के लिए एक समिति गठित की गई है 21 जनवरी 2019 को। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह को बनाए गए हैं, और इसके जो सांसद कांतिलाल भूरिया को समिति का संयोजक बनाया गया है, और इस जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को समिति का सदस्य बनाया गया है, और इसके कई और सदस्य बनाए गए हैं, सदस्य सचिव बनाया गया है जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को, और ये समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गणतंत्र के उत्सव पर यानी गणतंत्र दिवस के उत्सव के रूप में विख्यात लोक रंग का इस वर्ष कौन सा वह वर्ष है? यानी हमारे मध्य प्रदेश में जो लोक रंग मनाया जा रहा है वह कौन सा वह वर्ष होगा? यह 34वां वर्ष होगा 34वां बार मनाया जा रहा है लोक रंग, और यह लोक रंग का आयोजन गणतंत्र दिवस पर भोपाल में लोक रंग का आयोजन 26 से 30 जनवरी 26 से
30 जनवरी 2019 तक लोक रंग का आयोजन किया जा रहा है। लोक रंग का शुभारंभ 26 जनवरी को गौण आख्यान आधारित संविद नृत्य नाटिका राम आयनी का मंचन सुमन सहाय के साहा के निर्देशन में प्रारंभ होगा। ये रामायणी का जो मंचन हो रहा है वो सुमन सहाय के निर्देशन में हो रहा है और यह प्रारंभ होगा। ये लोक रंग से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम भाग दो के अंतर्गत एमपी जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 कब से शुरू की गई थी, और यह जो शुरू की गई थी जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। जुलाई 2014 में सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जहां से आप 181 पर कोई भी समस्या है तो आप कॉल करके जो है वो शिकायत कर सकते हैं। और इसका जो वाक है, सूत्र वाक है, जन हेतु जन सेतु, जन हेतु जन सेतु, जन हेतु जन सेतु, ये आप ध्यान रखें, ये लिखा हुआ है जन हेतु जन सेतु। मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान कब से शुरू किया गया था? ये तो जो शुरू होता है वो 14 अप्रैल से शुरू होता है, और जो 17-18 की बात करें तो यह 14 अप्रैल 2017 को इसको शुरू किया गया था। और हम ग्राम उदय भारत उदय के अभियान की बात करें तो यह जब पहली बार शुरू हुआ था ग्राम उदय से भारत उदय का अभियान, तो 14 अप्रैल 2016 को सर्वप्रथम इसका शुभारंभ किया गया था, महू में किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 14 अप्रैल 2016 को इसका सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया था। उच्च गुणवत्ता चारा हेतु बायापास प्रोटीन एवं मिनरल मिक्सचर संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? आपको बताना है कि उच्च गुणवत्ता चारा हेतु बायपास प्रोटीन एवं मिनरल्स मिक्सचर की संयंत्र की स्थापना सीहोर में की जा रही है, की गई है सीहोर में की गई है। और सीहोर से संबंधित फैक्ट है, सीहोर जिले की आष्टा तहसील का अस्तित्व 1667 से है। जो सीहोर जिले की आष्टा तहसील है उसका जो अस्तित्व है 1667 से है, ध्यान दें बहुत पुरानी तहसील है। आष्टा तहसील का पूर्व नाम आशानगर था, जो आष्टा तहसील है उसका जो पूर्व नाम था वह आशानगर था। सीहोर में भारत का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्याज भंडारण गृह योजना कब से शुरू की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एमपी पटवारी एग्जाम में, और वर्ष 2005-06 में यह योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में प्याज भंडारण गृह योजना शुरू की गई थी। और दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें, और वैसे जो आपके द्वारा लाइक किए जाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण लघु उद्योगों को बढ़ावा देने सी बी एम एफ आई है, कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कौन से जिले में कार्य कर रही है? तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य कर रही है बड़वानी में कार्य कर रही है। और वहीं सी बी एम डबल आई कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट सामुदायिक आधारित सूक्ष्म बीमा संस्थान की स्थापना सीपरी और पन्ना जिला में की गई है। ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन आप समझेंगे कि ये जो इसकी CBMII की स्थापना कहाँ की गई है, सीपरी और पन्ना जिले में की गई है। और जो CBMFI कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वह बड़वानी जिले में कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शुद्ध कृषित वाला जिला कौन सा है? बताना है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शुद्ध कृषित वाला जिला उज्जैन है, और कितना है 80.2% है। और दोस्तों ऐसे कहीं कहीं ये आंकड़े किसी किसी बुक में कुछ दिए रहते हैं, जो आपको यदि कोई डाउट होता तो आप कमेंट जरूर करें तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है दोस्तों। तो सबसे कम शुद्ध कृषित वाला जिला जो है मंडला है, 22.70% है। सर्वाधिक कृषित जोत का आकार वाला जिला हरदा है दोस्तों, और इसे देखें। न्यूनतम कृषित जोत का आकार वाला जिला कटनी एवं नीमच संयुक्त रूप से है। न्यूनतम जो कृषित जोत का आकार वाला जिला है वह कटनी एवं नीमच संयुक्त रूप से है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि रकबे का सिंचित प्रतिशत कितना है? अब सिंचित प्रतिशत की बात कर रहे हैं, और कृषि रकबे का जो सिंचित प्रतिशत है वह 31.28% है। 31.28% है सिंचित प्रतिशत कृषि रकबे का, जो भी सिंचित सिंचाई प्रतिशत है वह 31.28% है। और सार्वजनिक सिंचित जिला है वह द्वितीय है 66.38%। सार्वधिक सिंचित जिला है जो द्वितीय जिला है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था दोस्तों। और न्यूनतम सिंचित जिला है वह मंडला है, जो कि 0.58% है, यानी ये मंडला की स्थिति बहुत दयनीय है। अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होशंगाबाद जिला है, अर्जित सिंचाई क्षमता
क्षमता वाला जो जिला है वो होशंगाबाद जिला है, अर्जित सिंचाई क्षमता न्यूनतम जिला वाला बुरहानपुर है, बुरहानपुर है अर्जित सिंचाई क्षमता न्यूनतम जिला। निम्न में से वनस्पति तेल इकाई का कारखाना कहाँ स्थित है? निम्न में से वनस्पति तेल इकाई का जो कारखाना स्थित है वह शाजापुर में स्थित है, शाजापुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में धातु मूर्ति उद्योग होशंगाबाद में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में जो धातु मूर्ति उद्योग है वह होशंगाबाद में प्रसिद्ध है। निम्न में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? निम्न में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये पेंच जल विद्युत परियोजना है जो कि तोतला दोहे में स्थित है, और ये जो राजघाट जल विद्युत गृह है ये तो राजघाट परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ये जो है वो चंदेरी के पास राजघाट बांध बना हुआ है। बाण सागर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह टोंच नदी पर रीवा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना यानी तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वहीं गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की बात करें तो यह चंबल नदी पर बनी है, मंदसौर में बनी है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। और ये पेंच जल विद्युत परियोजना की बात करें तो पेंच नदी में भारत में मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुनारद्वीप से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से इसका उद्गम होता है। पेंच नदी का जो उद्गम स्थल है वो छिंदवाड़ा जिले की तहसील से जुनारद्वीप से होता है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है, और दक्षिण पठार से इसका होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। तो तोतला दोहे में यह हमारे मध्य प्रदेश के तोतला दोहे में। अब दोस्तों पेंच जल विद्युत एक आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये किस जिले में है, तो ये आप सर्च करें कि पेंच जल विद्युत परियोजना कहाँ है, और मुझे कमेंट के जरिए बताएं दोस्तों कि तोतला दोहे कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में स्थित किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? दोस्तों एक और बात है जो हम एमपी जीके के क्वेश्चन शामिल करते हैं इसमें, क्या दोस्तों केवल एमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किया करें? आप हमें कमेंट के जरिए बताएं दोस्तों, और अपनी जो है एडवाइस हमें दें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं तो आप देख लें इसे। और मध्य प्रदेश में स्थित किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? ये तैमून अभिलेख में बताया गया है कि किसी कोई राजा होता है तो शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है तैमून अभिलेख में। तैमून जो अभिलेख है वो अशोकनगर जिले में स्थित है, और तैमून अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। वहीं सूपिया अभिलेख रीवा जिले के सूपिया नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है, और रूपनाथ अभिलेख जो मिला है वह सीहोरा जबलपुर में मिला है दोस्तों, सीहोरा जबलपुर में मिला है रूपनाथ अभिलेख। और जो सूपिया अभिलेख है जो रीवा जिले के सूपिया नामक स्थान पर मिला है वह अशोक से संबंधित है, राजा अशोक से संबंधित है। और बात करेंगे अब हम 21 जनवरी 2019 को आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा टेरी टावर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया है, और इसके जो ऑप्शन है ये होशंगाबाद में लगाया गया है वैसे तो हमारे अनुसार, लेकिन कोई बोल रहा है बुधनी में लगाया गया है। तो दोस्तों यदि बुधनी में लगाया गया है तो उसके साक्ष्य आप बताएं, किसी के द्वारा कमेंट किया गया था लेकिन जो मुझे मिला है भाई होशंगाबाद मिला है, मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा। और दोस्तों एक और है, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा फेसबुक ग्रुप है कैरियर डेस्ट अकेडमी, उस पर आप ज्वाइन कर लें। जो भी हमारे अब चाहे वह एमपी जीके के क्वेश्चन शामिल हो या फिर दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल होंगे तो हम उस पर पोस्ट किया करेंगे दोस्तों, कोई भी पोस्ट किया करेंगे, उसको सिंगल पोस्ट किया करेंगे हम क्वेश्चन, उसकी डिस्क्रिप्शन पोस्ट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कमेंट के जरिए देखेंगे। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग पोस्ट में आपको मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों हमारी कि एक एक क्वेश्चन चाहे या हम 100 क्वेश्चन हो चाहे 200 क्वेश्चन हो वो सारे के सारे हम उस पर फेसबुक पर करेंगे दोस्तों। और मध्य प्रदेश में कालका मंदिर मेला कहाँ लगता है, आपको आज का क्वेश्चन है 22 जनवरी 2019 का है कि मध्य प्रदेश में कालका मंदिर का मेला कहाँ लगता है, इसको आपको कमेंट के जरिए बताना है। और दोस्तों जो आज की पीडीएफ लिंक दी हुई है वो जहाँ तक आपके अवेलेबल हो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और जल्दी आप एक दो दिन का समय होता है क्योंकि दोस्तों अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से समय पर अपलोड नहीं हो पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीडीएफ है वह समय पर अपलोड हो जाया करे दोस्तों, क्योंकि समय पर वीडियो नहीं मिल पाता है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, वैसे आपको एग्जाम की दृष्टि से तो अच्छा होता है दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।